कैसे कुछ ही मिनट में आप अपने सभी मेकअप ब्रशेज एक साथ अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। मेकअप करना तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को पसंद है, लेकिन ब्रशेज को क्लीन करना किसी को पसंद नहीं है क्योंकि उनमें बहुत टाइम लगता है। तो डोंट बी अपसेट गाइस, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक सिंपल सा प्रोसेस, आप कैसे अपने मेकअप ब्रशेज को क्लीन कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको ना, पहले तो आपको गर्म पानी लेना है एक बाउल में, बहुत अगर ज़्यादा ब्रशेज हैं तो ज़्यादा पानी लीजिए, एंड अगर थोड़े बहुत ब्रशेज हैं लाइक जैसे मेरे पास हैं, क्योंकि मेरे पास ना थोड़े बहुत ही मेकअप ब्रशेज हैं लाइक फाउंडेशन लगाने वाला और एक आई शेडो अप्लाई करने का एंड ब्लेंडर। सो या ब्लेंडर को भी आप क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको ना गर्म पानी में क्या करना है, थोड़ा सा अपना फेस वॉश लीजिए, अगर फेस वॉश नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, पानी में मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपको जिस तरह से आप देख रहे हो ना, आपको डिप करके रख देना है अपने ब्रशेज को। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर आपको चाहिए, वो है चाय छलनी, जिसे हम चाय स्ट्रेन करते हैं तो हमें वो चाहिए। एंड ध्यान से गाइस जब आप इसे यूज़ कर लो ना, तो इस छलनी को ना क्लीन करके रख देना, क्योंकि मम्मी की डांट अगर पड़ गई ना और मम्मी ने ये वीडियो देख ली ना तो आपकी तो खैर नहीं। इसीलिए ना अपने इस छलनी को ना क्लीन करके रख देना जब आपके ब्रशेज क्लीन हो जाए। एंड सो या आते हैं अपनी वीडियो पर। तो आपको ना ब्रशेज से इस तरह से करना है, या इस तरह से अगर आप पानी में भिगो भिगो कर डिप डिप करके और फिर छलनी से इस तरह से रब करोगे, तो जितनी भी इसमें क्रीम वगैरह फाउंडेशन जो भी इसमें मतलब मिला होगा वो सब हट जाएगा। और ऑल्सो इसमें गर्म पानी है ना, तो देखना कि कितनी आसानी से इसमें जो भी क्रीम वगैरह है, फाउंडेशन वगैरह है, वो सब हट जाएगा। एंड इसे ये ना वीडियो में आपको लग रहा है कि इतना टाइम लगा है, लेकिन ये मात्र 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो यस, इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है और बार बार करना है, और जब तक करना है वैसे ही आप, जब तक आपके जो ब्रशेज हैं वो साफ ना हो जाए। वैसे तो मेरे जो ब्रशेज थे ना वो ज़्यादा गंदे नहीं थे, बहुत ही कम गंदे थे। तो आप देख रहे हो ना कितनी जल्दी से मेरे ब्रशेज और ब्लेंडर क्लीन हो चुका है। सो या ये बहुत अच्छा तरीका है एंड बहुत आसान तरीका है। इस तरह से हमने अपने मेकअप ब्रशेज को क्लीन तो कर लिया, अब बारी आती है इनको ड्राई करने की, क्योंकि हम इन्हें वॉश तो कर लेते हैं लेकिन ड्राई होने में इनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वो किस तरह से करें तो वो भी आप इस वीडियो में देखिए। और जब आपके मेकअप ब्रशेज क्लीन हो जाए तब आप एक अच्छा सा साफ पानी लीजिए और फिर से इन्हें एक बार फिर से इन्हें डिप करके रख दीजिए कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद निकाल लीजिए। और अब उन्हें ड्राई कैसे करना है, तो ड्राई के लिए या तो आप टॉवल लीजिए, अगर टॉवल है नहीं है तो टिश्यू पेपर नहीं होगा आई थिंक, ऑलमोस्ट टॉवल तो सभी के पास होती है। तो पहले आपको अपने ब्रशेज को निकाल के रख लेना है एंड उसके बाद आपको टॉवल लेनी है, टॉवल के अंदर रैप करके उन टिश्यू पेपर पर इस तरह से आपको कवर करके रख लेना है कुछ सेकेंड के लिए, एंड 30 सेकेंड आई थिंक, यस 30 इनफ है। एंड उसके बाद आपको इन्हीं टिश्यू पेपर से ड्राई कर लेना है, क्योंकि जो टिश्यू पेपर होते हैं लाइक पेपर जो भी होता है वो बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब करता है, हालांकि टॉवल भी करता है लेकिन टॉवल की अपेक्षा टिश्यू पेपर ज़्यादा करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। उस तरह से इसे रखने के बाद फिर इसको हटा दीजिए और अच्छे से मेकअप ब्रश को क्लीन कर लीजिए। सो ये था एक अच्छा सा सिंपल सा तरीका अपनी मेकअप ब्रशेज को क्लीन करने का, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रही हो और अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।